नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदेश किसान मार्ट पर। आज हम फिर नई जानकारी के साथ में हाजिर हुए हैं और आप जो आपको बताएंगे कि गर्मियों में जो टमाटर की पौध है, जो नर्सरी है, वो किस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। ये गर्मियों के जो गर्मियों में जो टमाटर की नर्सरी तैयार करते हैं, उसका सीड है हमारे पास में। ये पुष्पा है, अल्फाइन कंपनी का है। ये अल्फाइन सीड्स है, अल्फाइन कंपनी का है और ये 600 रुपये की पूड़ी आई है हमारे, जो हमने खरीदा है। बाकी इसकी MRP तो 1,030 रुपये है और ये 600 रुपये की मार्केट में मैंने परचेज की है। और इसका जो सीड है, वो किस तरीके से आप तैयार कर सकते हो, उसकी दो विधियाँ आपको बताएंगे। और इस टाइम पे नर्सरी अगर तैयार करते हो तो काफ़ी जल्दी आपकी नर्सरी तैयार होगी। तो सर्वप्रथम हम इसमें सीड निकाल देंगे। ये सीड देखो किस तरीके का है, मैं ये कटिंग करता हूँ इसकी। और देखते हैं, देखिए सीड इसमें किस तरीके का आता है। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी उपचारित सीड है और इसमें 3,000 के आसपास सीड आएंगे एक पैकेट में। और सीड भी मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहा हूँ इस साल। बाकी तो सिजेंटा की वो जो कंपनियां होती है उनसे मैं यूज करता हूँ। सीड इसमें और है, ये देख सकते हो सीड उपचारित सीड है। इसको लगाने की जो दो विधि है, एक तो हम ट्रे में लगाएंगे और दूसरा हम जमीन पे लगाएंगे। जमीन पे काफ़ी जल्दी ग्रो होता है, बट जो इसमें निमाटोड की शिकायत होती है वो जमीन वाले में होती है। और आप ट्रे में लगाओगे तो इसमें वो शिकायत नहीं आएगी, तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हो। तो ये देख सकते हो हमारे पास में ग्रो ट्रे हैं और ये पुरानी वाली है हमारे पास में, नई हमने यूज़ नहीं की। और इसमें ये कोकोपीट भीगा हुआ है हमारे पास में, इसको इस तरीके से आपको लगाना है। आप चाहो तो इसमें कोकोपीट में फंगिसाइड कोई भी, आप कॉपर हो गया या फिर आपके साफ हो गया, कोई भी फंगिसाइड यूज कर सकते हो इसमें। अब हम इसे थोड़ा सा इससे फ्रेश करेंगे, दो ट्रे आप लेके और इसको आराम से फ्रेश करें। और अब हम इसमें एक एक सीड डालेंगे। जैसे कि ये सीड हमारे पास में है, आपको एक सीड डालना है, ज़्यादा सीड ना डालें इसमें। और कोशिश करेगी ये बीच में लगना चाहिए। अब ये जहाँ दो डिल रहे हैं वो हम निकाल लेंगे और एक एक सीड डालेंगे इस तरीके से। पूरी ट्रे में एक एक सीड डालना है। ये हमने इसमें एक एक सीड डाल दिया है। अब ये कोकोपीट है वो ऊपर से वो डालेंगे, जिससे कि एक लेयर इसके ऊपर बन जाएगी। ये इस तरीके से इसे डालना है और फिर वापस इसको हम फिर से एक बार फ्रेश करेंगे, जिससे कि आराम से ये दब जाएगा और जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी इसकी। इस तरीके से हमने इसमें लगा दिया, ऐसे दबाना है आपको अच्छी तरीके से। और वापस हम इसे एक लेवल कर देंगे। अब इसमें पानी देना है हमें जाले की सहायता से। ये आप देख सकते हो हमने इसे कवर कर दिया है, ये जो हमने नर्सरी लगाई थी उसके ऊपर ये रख दिया है। और आप इसे आराम से ढक भी सकते हो, जिससे कि जर्मिनेशन ज़्यादा जल्दी आएगा। आप देख सकते हो ये बैंगन की हमारे पास में नर्सरी है ऑलरेडी, जो हमने तैयार की थी। अभी ये 3-4 दिन बाद में सेल आउट के लिए तैयार हो जाएगी। और मिर्ची भी लगा रखी है हमने। आप देख सकते हो ये ज़मीन है, इसमें हमने खाद डाल दिया है वर्मिंग कंपोस्ट डाल के। और इसको ज़मीन को बिल्कुल लेवल करना है आपको और एक क्यारी नुमा बनाना है। उसके बाद आप से देख सकते हो ये हमने एक खड्डा टाइप लेयर बनाई है और उसमें इस तरीके से सीड डालना है आपको। और ज़्यादा सीड ना डालें इसमें, कम से कम ये मान के चलो लेंथ हमारी 4 फीट के आसपास है, तो हमने 40 से 50 सीड इसमें डालेंगे। और उसको वापस हम कवर कर देंगे और इसमें पानी दे देंगे। और ये क्या काफ़ी जल्दी ग्रो होती है और हाइट भी इसकी अच्छी रहेगी।
अब हम इसे इस तरीके से बंद कर देंगे और पानी देके एक बार इसको कवर कर देंगे। 7 से 8 दिन में, अभी सर्दियों का टाइम है, 7 से 8 दिन में ये ग्रो हो जाएगा और उसके बाद में इसमें कौन कौन सी दवाई डालनी है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों।